हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑटोमेटिक शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कैस्टर ऑयल हमारी लैशेस के लिए यूज करना सेफ है। क्या वाकई कैस्टर ऑयल यूज करने से हमारी लैशेस आईब्रोज की ग्रोथ होती है, या फिर कैस्टर ऑयल हमारी लैशेस के लिए यूज करना हार्मफुल हो सकता है, उन्हें डैमेज कर सकता है। कितना सेफ है और कितना अनसेफ, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आई रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कैस्टर ऑयल को लैशेस के लिए मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में एंड हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। कैस्टर ऑयल को आईब्रोज की ग्रोथ के लिए एंड लैशेस की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। बट क्या वाकई इससे हमारी लैशेस की ग्रोथ होती है? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैस्टर ऑयल होता क्या है। तो कैस्टर ऑयल एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें कि वाटर को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे में जितना ज्यादा वाटर होता है उतना ज्यादा वो फ्लफी एंड ग्लॉसी हमारी स्किन को बनाता है। अगर आप स्किन पर लगाते हो तो स्किन को वो ग्लॉसी बनाता है। अगर आप लैशेस पे लगाती हो तो बिकॉज वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वाटर को अब्सॉर्ब किए है, तो ऐसे में हमें वहां पर थिकनेस नजर आती है, हमारी लैशेस है वो हमें थिक नजर आती है। हालांकि ये लॉन्ग नहीं करता है बट थिक हमें नजर आती है। सेम थिंग अगर आप अपनी आईब्रो पर लगाते हो कैस्टर ऑयल को तो वहां पे भी आपको थिकनेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो लैशेस है, हमारी जो आईब्रो है उनमें ग्रोथ हो चुकी है। हालांकि कहीं भी अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है या अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कैस्टर ऑयल से हमारी लैशेस की ग्रोथ होती है या फिर हमारी आईब्रोज की ग्रोथ होती है। बट हाँ, बिकॉज ये थिक बनाता है, साथ ही जो लैशेस है उनको ब्रैकेज को कम करता है। बिकॉज इसमें अदर प्रॉपर्टी भी बहुत होती है, ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेयर्स की ग्रोथ को, हमारी आईब्रोज की ग्रोथ को, हमारी लैशेस के हेयर्स को ब्रेक होने से रोकता है। बट हाँ, ब्रेकेज कम होने की वजह से भी हमें लैशेस में ग्रोथ नजर आती है बट ग्रोथ नहीं करता है। आपकी लैशेस की हेयर्स को ये ब्रेक होने से रोकता है एंड उन्हें थिक एंड ग्लोसी बनाता है। बट हाँ, इसे यूज करने से पहले आपको कुछ बातें और हैं जो जान लेनी है। बिकॉज अगर आप गलत तरीके से यूज करती हैं तो इससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। हालांकि कैस्टर ऑयल टॉक्सिक नहीं है बट कुछ लोगों में जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है उनमें ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। बिकॉज कैस्टर ऑयल में एलर्जिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ऐसे में हमारी आईज के पास की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, तो वहां पर एलर्जी जल्दी नजर आती है। हालांकि ये टॉक्सिक नहीं है और कहीं पर भी ऐसी स्टडी सामने नहीं आई है कि कैस्टर ऑयल यूज करने की वजह से हमें किसी प्रकार का आई इन्फेक्शन हुआ हो। बट हमें सेफ्टी से यूज जरूर करना चाहिए। हालांकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कैस्टर ऑयल यूज करें हमारी आईज के इनसाइड ना जाए, अदरवाइज भी एलर्जी कर सकता है। इसके अलावा आपको आईज पर यूज करने से पहले एक बार इसका फेस टेस्ट जरूर करना चाहिए। आप अपनी हैंड में यूज कर लो, अगर वहां पर अगर आपको कोई एलर्जी नहीं होती है तभी आपको अपनी आईज के ऊपर यूज करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप कैस्टर ऑयल मॉर्निंग में यूज करते हैं तो इवनिंग में या फिर नाइट में आपको कैस्टर ऑयल को अपनी आई साइड से रिमूव करके ही सोना है।
आपको कैस्टर ऑयल को एक मेकअप, आई मेकअप की तरह समझना है और उसी तरीके से इसे रिमूव करके सोना है। बिकॉज किसी भी प्रकार का अगर आप ऑयल यूज करती हैं अपनी आईज में, तो हमारी आईज में जो मेमोडियन ग्लैंड होती है उसे ब्लॉकेज होने का रिस्क रहता है। अगर उसमें ऑयल चला जाता है तो लॉन्ग टर्म में उसकी ब्लॉकेज होने का रिस्क है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा रिस्क या फिर स्टडी सामने नहीं आई है। अगेन आपको सेफ्टी रखनी है, सिर्फ उसकी वजह से मैं गाइड कर रही हूँ। बट बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कैस्टर ऑयल आप यूज ही नहीं कर सकते। आप यूज कर सकते हैं अगर आपको, आपने यूज किया है, आप इसे पहले से यूज कर रही हैं, आपको किसी टाइप का साइड इफेक्ट या फिर एलर्जिक रिएक्शन नहीं नजर आ रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा आपको अपनी आईज की सेफ्टी रख के उस हिसाब से यूज करना है। बिकॉज हमारी आई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट पार्ट है, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए है ना। हमें जितना हो सके आई मेकअप, आई ऑयल को रिमूव करके सोना चाहिए। बिकॉज हमारी आई में मेमोरियन ग्लैंड होती है जो नेचुरल ऑयल टीयर्स का प्रोडक्शन करती है, एंड उसमें किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज ना आई, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी आप यूज कर सकते हैं अगर आप पहले से यूज करते हैं, डिपेंड ऑन यू। बाकी कोई इसका साइंटिफिक रीजन नहीं है कि ये आपकी लैशेस की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। हालांकि आपकी हेयर्स की ग्रोथ को ये, यानी कि हेयर्स को ब्रेक होने से रोकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।